आज मैं राघोगढ़ की जनता को प्रणाम करने, हृदय से धन्यवाद देने और अपने कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट करने आया हूं। विधानसभा के चुनाव में हमारे उम्मीदवार हीरेंद्र सिंह जी बंटी बना को भरपूर प्यार मिला, केवल थोड़े से वोटों से हम पीछे रह गए। हम जनता को ये वचन भी देते हैं कि उनकी सेवा में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हमने विधानसभा के बाद अब लोकसभा के चुनाव की तैयारी प्रारंभ कर दी है और ऐसी 66 सीटें जहां हम हार गए थे उन पे हम पहले जा रहे हैं। मैं छिंदवाड़ा जिले में गया, फिर श्योपुर गया, आज मैं राघोगढ़ आया हूं। हमारा संकल्प है कि लोकसभा के चुनाव में 29 लोकसभा की सीटें तो हम जीते ही, लेकिन सभी लोकसभा की सीटों में, हर विधानसभा में हम जीते हैं। 230 विधानसभा में नरेंद्र मोदी जी जीते हैं, ये हमारा संकल्प है और इसलिए आज राघोगढ़ भी अपनी जनता को प्रणाम करने, इस पवित्र भूमि को प्रणाम करने हम आए। उनका बहुत आभार और लोकसभा के लिए आज हमने यहाँ संकल्प लिया कि भारी बहुमत से हम यहाँ जीतेंगे। कैलाश विजयवर्गीय जी कह रहे हैं कि लाडली बहना नहीं, नरेंद्र मोदी जी का फेस 3 राज्यों में बड़ा काम किया। नरेंद्र मोदी जी तो पूरे दुनिया के दिल में है, मध्य प्रदेश के दिल में है, हमारे और आपके दिल में भी है और इसलिए उनका आशीर्वाद तो काम करता ही है। कोई जद्दोजहद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में एक निर्धारित प्रक्रिया है, कार्यकर्ता अपना काम खुद करते हैं और पार्टी विचार करके फैसला करती है। कार्यकर्ता हम जैसे वो अपना काम कर रहे हैं, पार्टी का नेतृत्व सब चीज़ों पर विचार विमर्श करके वो अपना फैसला करेंगे। देखिए, ये तो खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। ईवीएम की गड़बड़ी थी तो छिंदवाड़ा में कैसे जीत गए, वो कर्नाटक में कैसे जीत गए, हिमाचल में कैसे जीत गए, वो तो पहले से ही कहने लगे थे, पता चल गया कब हारेंगे तो ईवीएम नहीं, उनका अहंकार हारा है। उन्हें मध्य प्रदेश का सत्यानाश किया, पहले 10 साल में और बाद में 1.25 साल में जनता ने उनको नकारा है। उन्हें जनता के साथ छल किया, धोखा किया, कर्जा माफ सहित कई वादे किए थे पूरे नहीं किए, तो जनता ने बदला लिया है। धन्यवाद। आप तो बदली सरकार जीत गए, लोगों ने तो कपड़े सला लिए, सूट मंत्रिमंडल बन गया, विभागों की लड़ाई चल रही थी कौन सा विभाग किसको लेंगे, लेकिन उन्होंने नहीं देखा कि जनता का प्यार और मेरी लाडली बहनाओं का आशीर्वाद कहां बरस रहा है। मेरे बहनों और भाई, मैं मिशन 29 में निकला। मिशन 29 है लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश के 29 की 29 सीटें जिता के श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के गले में 29 कमल की माला डालना है प्रधानमंत्री बनने के लिए। राजनीति जनता को दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के प्रणाम करता हूं, बारंबार प्रणाम करता हूं। अद्भुत है ये जनता, आज आपने जो प्यार दिया है राघोगढ़ की सड़कों पर, जो आशीर्वाद दिया है और जो विश्वास बंटी बना को दिया है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं किसी भी कीमत पर आपका विश्वास टूटने नहीं देंगे, टूटने नहीं देंगे। सभी 230 विधानसभा राघोगढ़ सहित लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी जीते, इसलिए मैं वहां जा रहा हूं जहां हारे, और यहां हारे नहीं, यहां तो जीते हैं। बल्कि बना 91,000 जनता ने दिए। मेरे बहनों और भाइयों, जान भरी चली जाए, आपके विश्वास को कभी टूटने नहीं देंगे, कभी खंडित नहीं होने देंगे। मोदी जी के नेतृत्व में
वैभवशाली गौरवशाली संपन्न समृद्ध और शक्तिशाली भारत का निर्माण हो रहा है और इस काम में मध्य प्रदेश उनके साथ खड़ा है, इसमें कोई कसर नहीं रहेगी ताकि देश हमारा निरंतर आगे बढ़ता रहे। 91,000 वोट आपने तमाम प्रलोभन को दरकिनार करके उन्हें दिए हैं, वो हारे नहीं है, जनता का दिल जीता है उन्होंने, जनता का दिल। आपने फूलों की वर्षा करके स्वागत किया है, मैं आपको वचन देता हूं राम होकर के विकास में कोई कांटा नहीं रहने दिया जाएगा। और वैंकी बना जी, आप कब राम होकर देखेंगे? लेकिन थोड़ा बहुत हक हमारा भी, हम भी लड़ते हैं यहां से, फिर भी आपके साथ हम भी देखेंगे, मिलकर देखेंगे। अच्छा, मैं 2003 में लड़ा तो मैंने कहा मुख्यमंत्री का क्षेत्र है शिवराज, यहाँ तो विकास बहुत हुआ, लेकिन मैं कैसे चला, मैं आया था लटेरी तरफ और राम होकर के सीमा में प्रवेश किया तो पता ही नहीं चला कि गड्ढों में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है कि गड्ढा में गड्ढा है। वहां एक ईवीएम में हार गए। अरे ईवीएम में हार जाते तो भाई की बना को हम 400 वोट से पीछे कैसे रहने देते रे राजा, हम भाई की जीता देते। खिसिया की बिल्ली खंभा नोचे, बिजली गाय भी रहती कभी आते पता नहीं चलते। मैं सच कहता हूं, जिन्हें वर्षों तक कांग्रेस पर भी राज किया, मध्य प्रदेश पर भी राज किया, वो अपराधी है। मध्य प्रदेश को रामगोड़ा को गड्ढों का प्रदेश बनाने के अपराधी है वो। कैसे मुख्यमंत्री थी, कहा के मुख्यमंत्री थे, रामगोड़ा का नाना तक तो तुम ठीक नहीं करवा पाए। अभी बंटी बना मुझे धीरे धीरे बता रहे थे, देख लो देख लो। अरे वो समझदार भी कह रहे हैं, अब अपन को ठीक करना है। आज मैं ये वचन देने आया, सरकार बीजेपी की बन रही है और इसलिए मेरे बहनों और भाइयों, बंटी बना के नेतृत्व में राघोगढ़ में भी विकास के काम में कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। इसका मतलब ये नहीं कि चाचौड़ा की तरफ नहीं देखेंगे, चाचौड़ा गुनाओ वहां पर पहले ही नगर निगम की घोषणा कर रहा है अपन नाम, मेडिकल कॉलेज नगर निगम, ये हमारी हमारी ड्यूटी है। लेकिन